इधर है डीएसपी प्लांट और इधर है डीवीसी प्लांट, देखिए दोनों तरफ प्लांट ही प्लांट है। विद जिक्सर ऐसे बट अ लॉन्ग टाइम, इतना दिन बैटरी स्कूटी में घूमते थे, आज बाइक से घूम रहे हैं। हाइपर राइडिंग मोड ऑन, हाइपर राइडिंग मोड ऑन। Hi guys, welcome back to my channel. Today we're watching Always Rahul. तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिलहाल टूर्नामेंट है बेसिकली, तो मैं और सोहेल जाऊंगा। अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि सोहेल कौन है, अभी उसको भी अच्छे से इंटरव्यूज करेंगे ब्लॉग में। तो अभी चलता हूँ, मेरा बेसिकली अभी काम था कि कटवाने का, लेकिन के बाद कटवा के सीधा घर आके नहा लूंगा। तो यार गाइस चलते हैं। तो गाइस यस, तो एक लंबा सा जंप हुआ और ये शॉट लेने में पता नहीं उतना एक्यूरेट हुआ रहेगा कि नहीं, एडिटिंग करने टाइम पता चलेगा कि ये शॉट कितना एक्यूरेट हुआ। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सारा इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया है, और लिटरली आप कह रहा बड़ा बाल मेंटेन नहीं करते हो ना, तो बड़े बाल रखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत मेंटेन किया उसके बाद, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था। जब गाड़ी पे बैठता हूँ तो हवा हवा लगता है, तो फिर आके आंख पे लग जाता है बाल, तो इसके वजह से मैंने ट्रिम करा लिया, साइज करा लिया। इसको तो मैं अभी बढ़ाऊंगा, ये छोटा छोटा करूंगा, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। मेरा ये प्लान है जब तक स्कूल वगैरह नहीं खुलता है। अभी बज रहा है 1:30, अभी चलते हैं नहाने, क्योंकि बाल वाल कटा लिया हूँ, अब फ्रेश होना पड़ेगा। तो आज उतना ठंडा नहीं है, कल काफी ठंडा था, परसों भी काफी ठंडा था, आज भी ठंडा है लेकिन उतना नहीं है जितना 2 दिन पहले था। तो यस गाइस, तो चलते हैं नहाने। आशा करता हूँ आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया रहेगा। अभी बहुत ज्यादा धूप है, अभी तक मैंने नहाया नहीं हूँ, तो चलते हैं पहले नहाने। यार टाइम लैप्स ही बना रहा हूँ तब से। तो गाइस अभी खेलना खत्म हुआ और अभी हम लोग देखिए गुम्बादा के साथ घूम रहे हैं। विद जिक्सर ऐसे आफ्टर लॉन्ग टाइम, इतना दिन बैटरी स्कूटी में घूमते थे, आज बाइक से घूम रहे हैं। हाइपर राइडिंग मोड ऑन, हाइपर राइडिंग मोड ऑन। এবারে বুঝলাম তাহলে ওইদিন একসাথে আমি ভিডিও করে হচ্ছে। মানে মজা বলছি, মজা লাগছে না ওটাই বলছি। शिवाजी द बॉस, कूल। चलो गेट खुला है, अच्छी बात है। चलो चाय दुकान पहुंचे गए थी ना। ओके गाइस, तो ये ब्लॉग अभी मतलब बहुत छोटा बन गया, बहुत कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ इस ब्लॉग में, लिटरली कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग और एक दिन एक्सटेंड करूँ। तो या गाइस, तो अभी बज रहा है 11:30, अभी मैंने डिनर कर लिया है, तो मिलता हूँ सीधा आपसे सुबह। बाय गाइस, गुड नाइट। ओके गाइस, तो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी बज रहा है 10:00 और लिटरली मतलब यहाँ पे चलना मतलब पूरा डस्ट, हर दिन हर रात डस्ट उड़ रहा है, इसके वजह से पूरा का पूरा टेरेस है डस्ट से भर गया है। मैं अभी चल रहा हूँ, लग रहा है कि किसी छाई के पहाड़ के ऊपर चल रहा हूँ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि कितना हेजी लग रहा है। जब जिधर भी देखो, आसमान में देखो तो हेजी है, बस एक ही रीजन है, वो है डस्ट। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए आसमान कितना हेजी लग रहा है। क्लाउड्स नहीं है, ये डस्ट है,
कितना हेजी लग रहा है देखिए, दूर देखेंगे हेजी लग रहा है। फॉग वॉग कुछ नहीं है, ये डस्ट है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं गुमाला के साथ बैंक, और लिटरली फोन जैसे पकड़ा हूं ना, अगर थोड़ा सा भी स्लिप करेगा तो सीधा नीचे, और अभी 20 के स्पीड में चल रहा है, टेम्पर टेम्पर पूरा हो जाएगा। 20 दिखाता है, 20 जाता नहीं, 20 चल नहीं रहा है, ज्यादा जा रहा है इससे फॉर श्योर। हां 5-6 किलोमीटर ज्यादा ही चल रहा होगा, ज्यादा ही चलता है, क्योंकि इसमें स्पीड वगैरह इतना ज्यादा है ना, कभी कभी मेरे को ना धक्का लगता है क्या हो रहा है भाई, स्पीड ज्यादा। अबे यहाँ पर 30 दिखाता है ना, और जाता है लगभग 50-55 तक हो जाता है, तो ठीक है। अभी मास्क पहनते हैं, बैंक पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, जो भी बने थे बैंक में काम तो हो गया, और अभी गुमाला बोले कि चलो थोड़ा घूम के आते, काफी दिन हो गया थोड़ा घूमे नहीं, और ब्लॉग भी इस तरफ दुर्गा पुर का इस तरफ कभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, आज पहली बार ये एरिया कवर हो रहा है। तो बेसिकली अभी जा रहा हूँ वारिया स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन, हाँ वारिया रेलवे स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, मतलब एरिया का नाम ही वारिया है। नहीं हम लोग जा रहे हैं पर्टिकुलरली रेलवे स्टेशन, बिकॉज मैं बहुत दिनों से कोलकाता नहीं गया, तो याद आ रहा था घूम टूम लू, मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर कोलकाता जाता हूँ, हावड़ा जाता हूँ, हावड़ा से फिर बस पकड़ के जाता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा याद आ रहा था कि चलो घूम के आते हैं, थोड़ा रैंडमली जा रहे हैं, देखते हैं। कोलकाता नहीं जा रहे हैं, आगे थोड़ा घूमने जा रहे हैं, और अगर अगर मेरा वाला सरप्राइज अगर आप लोगों को देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि वाला अच्छा वाला एक कॉन्टेंट मैंने सोच के रखा हूँ मैं, मुझे भी अभी तक नहीं पता है, 2-3 दिन के अंदर ही शायद एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखते हैं। कहीं पर जाऊंगा एक्चुअली, वहाँ पर कुछ स्पेशलिटी है खाने का, चीज बोल रहा हूँ स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल है, मतलब पूरे बंगाल में पूरा फेमस है एक्चुअली, ऐसा है। इधर है डीएसपी प्लांट और इधर है डीवीसी प्लांट, देखिए दोनों तरफ प्लांट ही प्लांट, यही एक अच्छी बात है अगर आप एक इंडस्ट्रियल शहर में रहते हो तो, हर जगह ये इंडस्ट्री है हर जगह। इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, डस्ट ही डस्ट। घूमना तो बहाना था, बस यहीं पे आए और आगे थोड़ा सा एक टर्न लिया, फिर वापस चलो हो गया घूमना, मतलब एरिया देखिए, एरिया कितना अच्छा है, दोनों साइड में बड़ा बड़ा, दोनों साइड में बड़ा बड़ा प्लांट, एक साइड में डीएसपी एक साइड में डीवीसी, कितना सही नजारा है। अगर आप एक गांव में रहते हो तो दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला है डीएसपी और ये वाला है डीवीसी, ये तो बंद होने के कागार में था, अभी फिर चालू हुआ है, तो अभी सोचा कि थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं सही रहेगा। रास्ते चलाओ ना, मैं हेटा तो भय खाई दीच गाड़ी, चलो चलो गाड़ी आसते दूर आसे, एक्सप्रेस ट्रेन कौन लाइन आसे, एक्सप्रेस आसते ये लाइन। तो गाइस अभी मैं गया था थोड़ा कंप्यूटर सर के घर, तो अभी फिर वापस जा रहा हूँ, एक्चुअली पैदल चलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि घर से 10 मिनट का वॉक है बस, साइकिल में ऊपर से पंप भी नहीं था, तो इसके वजह से पैदल ही चल के भी घर जा रहा हूँ, मतलब काम तो हो गया। और ये फोन में जब आप व्लॉग बनाते हो ना, तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है लो लाइट में ही होता है, अभी अंधेरा है, अभी उतना खास नहीं आ रहा होगा, अभी आ भी रहा होगा तो फिर इसको भी थोड़ा और एडिट करके और अच्छा करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो लाइट्स है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर जैसे ही मैं अंधेरा में जाऊँगा बिल्कुल भी अंधा हो जाओगे आप, मतलब कुछ नहीं आएगा, ये एक प्रॉब्लम होता है जब आप लो लाइट में फोन में वीडियो बनाते हो, अगर आपके पास एक आईफोन वगैरह रहता तो फिर और अच्छा रहता। नवाबी शौक, हाँ ये रोड में कोई नहीं है बिल्कुल भी, और ठंडा बिल्कुल नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, 2 दिन पहले काफ़ी ठंडा था, आज एकदम भी ठंडा नहीं है। ओके गाइज, तो ये व्लॉग यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा ये व्लॉग देख के, आने वाले व्लॉग्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो काफी अच्छा लगा मेरे को कि आपने एंड तक वीडियो देखा रहेगा, अगर आप वीडियो देखते हो ना जब भी, एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट करो, कमेंट नहीं करते हो ना तो लगता है कि मेरा जितना भी व्यूअर्स है सब डेड है, इसलिए कमेंट किया करो, सिर्फ लाइक करके व्यूज देके मत जाओ, कमेंट भी करो आगे शेयर भी करो। या गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।